सेकेंड ईयर के चैप्टर्स की जितनी कैलकुलेटर की ट्रिक्स है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखो सेकेंड ईयर का, तो वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। अब फंक्शन की तो ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन लिमिट्स की शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल आपको मिलेंगी। ठीक है, क्या किस टाइप की शॉर्ट ट्रिक, मतलब आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लेट की है यहाँ पे, ये सारे सवाल हैं, इसमें से 2-3 हम पिक करेंगे और मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कैलकुलेटर से। देखो लिमिट में कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसको हम बोलते हैं एक्स अप्रोचेस टू जीरो या एक्स टेंड्स टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो कैलकुलेटर में भी आप जीरो नहीं पुट कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरी चीज़ जो फ्रैक्शन है ना, इसको सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखो। पहला क्या लिखा हुआ है, साइन थ्री एक्स। साइन थ्री एक्स कैसे आता है, अल्फा दबाओ और ये वाला बटन दबाओ तो ये एक्स आ गया आपके पास, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर आप टेंजेंट लिखो, टेंजेंट फोर अल्फा, ये वाला बटन दबाओ, एक्स आ गया। ठीक है, जब आप ये फ्रैक्शन लिख लो उसके बाद आपने एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये सी ए एल सी का बटन होगा, मेरे में मिटा हुआ है सी ए एल सी वाला। जब आप ये पुट कर दो फ्रैक्शन, आप ये वाला बटन दबाओ, ये पूछेगा कि एक्स की कौन सी वैल्यू आपने पुट करनी है इस फ्रैक्शन के अंदर। अब एक्स की जीरो वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो पे एरर आ जाएगा, देख लेना। जीरो पुट किया मैंने और एरर आ गया, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो अब मैं दोबारा सी एल सी का बटन दबाऊँ, जीरो की वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जीरो के करीब तरीन कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेट से मैं इसके अंदर पुट कर दूँ 0.001। अब ये जीरो के बिल्कुल पास वैल्यू है। लिमिट का मतलब भी ये होता है कि हम अप्रोच करते हैं उस नंबर के पास इक्वल नहीं होते, तो बिल्कुल अगर आप अप्रोच करोगे तो ये जीरो के पास एक नंबर है। जब आप ये पुट करोगे आंसर, देखो अगर आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करो तो आंसर 0.75 के बराबर होगा, और 0.7 क्या होता है, 3/4। तो अगर बिलफर्ज आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, वैसे तो बड़ा इजी है, एल हॉपिटल रूल लगा दो आप, लेकिन अगर सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप इस तरह देख सकते हो कि आपका आंसर बिल्कुल क्लोज क्लोज आ जाएगा। कोई और लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल है। ठीक है, इसमें आपको एक्स प्लस वन एल्फा दबा के आप एक्स लिखोगे, और फिर है एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा ये वाला बटन एक्स प्लस वन, ये आपने पूरी फ्रैक्शन लिख दी। अब लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कैलकुलेटर में आप लिख नहीं सकते, तो अगेन यह सी ए एल सी का बटन दबाओ, एक्स की कोई बड़ी वैल्यू आप लेट कर लो। लेट से एक्स की बड़ी वैल्यू मैं लेट करता हूँ 1000000, जितनी बड़ी वैल्यू लेट करोगे उतना आंसर आपका क्लोज आएगा। और देखो आंसर आपका क्या आ रहा है, 1×10⁻¹। मतलब ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये 1×10⁻¹ का मतलब है 0.0000001, 601। तो ये देखो नंबर बिल्कुल जीरो के पास आ रहा है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर तकरीबन जीरो होगा, क्योंकि नंबर जीरो के पास आ रहा है, तो असल आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक होगा। यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल जीरो के करीब आ रहा है, तो एक्चुअल आंसर आपका जीरो होगा। ठीक है, तो आप आसानी से गैस कर लोगे। इसी तरह अगर आपके पास ये मुश्किल सा जो फंक्शन है, ये हम लिख देते हैं। अच्छा, पुट करने से पहले आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर हो, क्योंकि जैसे इसकी हम बात करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट एक्स ओवर एक्स। ठीक है, तो अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है तो इसका आंसर वन होता है, डिग्री के अंदर आंसर इसका वन नहीं होता। जब ये स्टेटमेंट हमने प्रूव की हुई है, तो उसमें जो आप कैलकुलेटर जो है वो आपका रेडियन के अंदर होना चाहिए, वरना डिग्री के अंदर होगा आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट एक्स सेक एक्स। तो आप लिखो टेंजेंट अल्फा दबा के एक्स मल्टीप्लाई सेक एक्स। सेक एक्स आप कैलकुलेटर में किस तरह लिखते हो, 1/cos x। ठीक है, फिर लिखा हुआ है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन अल्फा दबा के एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो अल्फा दबा के एक्स और ऊपर आप क्यूब लिख दोगे, तो ऊपर आपका लाजमी रेडियन होना चाहिए, ये छोटा सा आर होना चाहिए, वरना आंसर आपका गलत होगा। अब सी ए एल सी का बटन दबाओ, x की किस वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करना है, भाई x की आपको यहाँ पे लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो के पास। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटी गलत है, मिस्टेक है, यहाँ पे जीरो के पास अप्रोच कर रहे हैं। तो जब x जीरो के पास अप्रोच करेगा, आप कोई भी नंबर लेट कर लो जीरो के पास, 0.0001। सॉल्व करो, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.001। तो दिखने में लग रहा है कि 1 वैल्यू के पास अप्रोच करेगी आपकी लिमिट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह लिमिट का कोई भी सवाल होगा, आप आसानी से उसको इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। बाकी चैप्टर 1 में एक टॉपिक है फंक्शन का, फंक्शन आप इतनी आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते, आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा।
उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास सेकंड ईयर में वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की एक ही ट्रिक है जो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, और वो ट्रिक क्या है कि अगर कोई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन या सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, उसको कोई तीसरा पॉइंट जो है वो कट कर रहा है, ठीक है, और रेशो आपको गिवन है, लेट्स से 1:3 रेशो गिवन है, और ए इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको ये पता है कि सी ने किस रेशो में डिवाइड किया है, और आपको फाइंड क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसके लिए आप वो फॉर्मूला यूज़ करते हो m1x2 + m2x1, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाह रहे हो तो वो किस तरह करोगे वो देख लो। कोई सवाल हम कंसीडर करते हैं, जैसे ये वाला सवाल है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस जॉइन को इन द रेशो 2:1। तो सबसे पहले तो आपने इन दो पॉइंट्स को पुट करना है कैलकुलेटर में। इसके लिए आपको अपना कैलकुलेटर मॉड पे जाके वेक्टर में शिफ्ट करना पड़ेगा, 8 पे वेक्टर आएगा। सबसे पहले वेक्टर ए 1 दबा दो आप। अच्छा, डायमेंशन क्या है इस वेक्टर की? भाई ये वेक्टर 2 डायमेंशन है, इसमें तीसरी डायमेंशन नहीं है। चैप्टर नंबर 1 वेक्टर जो है ना, उसमें 3 डायमेंशन हम पढ़ते हैं वेक्टर की, और ये वेक्टर जो है अगर आप इसको इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बनाओ तो ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें जेड नहीं है। तो आप क्या करो, 2 पे क्लिक करो, 2 दबाओ, पुट कर दो। ए क्या है, -1 दबा के इक्वल, फिर -7 दबा के इक्वल, इसी दबा दो, फिर शिफ्ट दबा के, अगर आप देखो शिफ्ट दबा के 5 पे आप जाओगे, 5 के ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने पुट करना है तो आप 1 पे डायमेंशन पे जाओ, पहले वेक्टर ए पुट किया था, अब आप वेक्टर बी पुट करोगे, 2 पे जाओ, 2 डायमेंशन वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर क्या है, 1 और 2, एसी का बटन दबा दो, ठीक है। अब अगर आपने रिक्वायर्ड पॉइंट जिसने डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो उसका तरीका ये कि रेशो आपके पास 2:1 है, तो आप कैलकुलेटर में क्या पुट करो, आप कैलकुलेटर में पुट करो 2 + 1 क्या होता है, 3, तो आप कैलकुलेटर में पुट करो 1/3, पहला पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था, तो आप क्या करो, दूसरे रेशो को पहले वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, पहले रेशो को दूसरे वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1a + 2b, ये कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले, अच्छा जब वेक्टर मोड में आपका कैलकुलेटर है ना, तो ये फ्रैक्शन नहीं आती आपके पास, ये इस टाइप का आता है, तो किस तरह आप लिखोगे 1/3 को 1, फिर ये फ्रैक्शन का बटन दबाओ 3, तो ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई ए। ए कैसे लिखोगे, शिफ्ट दबा के 5 पे जाओ, 3 पे वेक्टर ए है, प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी, शिफ्ट दबा के 5 पे जाओ, वेक्टर बी 4 पे, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 0.333, और यहाँ फ्रैक्शन आ रही है, मतलब 1/3, और दूसरा पॉइंट क्या है, -1, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ या कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि फॉर्मूला और इसमें आपको तकरीबन एक ही टाइम लगेगा, ये कोई जल्दी में नहीं आपका होगा, तकरीबन सेम टाइम होगा, तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में एक ही ट्रिक है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है, बाकी सब आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। चैप्टर 3 जो था द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसी तरह चैप्टर 4 पे आ जाओ, और चैप्टर 4 जो है वो डेरिवेटिव्स है। अच्छा, डेरिवेटिव्स की आपको काफ़ी ट्रिक मिल जाएगी, मतलब एक ही ट्रिक है जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। एक चीज़ मैं बता दूँ, कैलकुलेटर में डेरिवेटिव का बटन ये है, अगर आप गौर से देखो तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये शिफ्ट दबा के आएगा, तो आप क्या करो, आप शिफ्ट दबा दो, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाओ, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, ये सिर्फ आपको डिफरेंशिएट नहीं करेगा, मतलब कोई भी आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो कैलकुलेटर आपको रिजल्ट में फंक्शन नहीं देगा, रिजल्ट में कोई वैल्यू देगा, मतलब आपसे बोलेगा आपने डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है। लेट्स से अगर आपके सवाल में गिवन हो कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आप निकालो, तो कैलकुलेटर आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² नहीं देगा, कैलकुलेटर आपसे मांगेगा कि आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किस एक्स की वैल्यू पे निकालना है, तो आप बोल दो लेट्स से x = 1 पे, तो इसके अंदर 1 पुट करेगा, आंसर आपको 3 दे देगा, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है, आप डेरिवेटिव का आंसर फंक्शन की फॉर्म में नहीं ले पाओगे, आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसका भी हमारे पास एक जुगाड़ है, हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे वो आप देख लो। लेट्स से कोई इजी सवाल हम सबसे पहले पिक करते हैं, हमारे पास सवाल है ये फंक्शन, एक फंक्शन मुश्किल सा गिवन है, 2x5 - 3x³ + x⁻⁴ + x⁻⁷। अब इसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, अब डेरिवेटिव सारे फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, अब आप कैसे कैलकुलेटर से फाइंड करोगे उसका तरीका देख लो। सबसे पहले तो आप फंक्शन पुट करो, फंक्शन क्या है, 2x5, 2 अल्फा दबा के x⁵, फिर है
माइनस 3 अल्फा दबा के एक्स क्यूब, तो आप क्यूब दबा दो। फिर है प्लस एक्स की पावर माइनस 4, फिर है प्लस एक्स की पावर माइनस 10। जब आप ये पुट कर लो, अब कैलकुलेटर पूछेगा किस वैल्यू पे, आप अपनी तरफ से कोई भी रैंडम वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, मेरी बात पे भी यकीन कर लो, कोई भी रैंडम वैल्यू आप पुट कर दो। और सबसे इजी वैल्यू जीरो से है, जीरो से आप स्टार्ट करो और देखो एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि एरर आ सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, ठीक है। आप वन पुट कर लो, जीरो के बाद इजी वैल्यू वन ही है, तो ठीक है, सही है। तो वन पे वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 10 आ रही है। अब आपने क्या करना है, आपने वन, ये जो ऑप्शन है ना सारे, इन सब ऑप्शन में आपने एक्स की जगह वन पुट करना है और देखो किसका आंसर माइनस 10 आ रहा है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप वन आसानी से पुट करके आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे वन पुट करोगे 120 आएगा, यहाँ पे वन पुट करोगे 120 आएगा, और ये तो 504 है। इस पूरी चीज़ का आंसर कहीं भी माइनस 10 के करीब नहीं आ सकता, छोड़ दो। बी पे आ जाओ, यहाँ पे वन पुट करो 10 ही आएगा, यहाँ पे वन पुट करो माइनस 9 होगा, 10 माइनस 9 1 के बराबर है। यहाँ पे वन पुट करो माइनस 4, 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 ही होगा, यहाँ से 1 था यहाँ से माइनस 4, तो माइनस 3 रिजल्ट है अभी तक। और यहाँ पे वन पुट करो माइनस 7 ही आएगा, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 के बराबर होगा। तो कैलकुलेटर आपको फंक्शन नहीं दे सकता, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी इजी वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो, और ऑप्शन में वो आप इजी वैल्यू पुट करो और देखो किसका आंसर इससे मैच कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आपको ये पावर रूल आता हो डेरिवेटिव का, तो मेरे ख्याल में हार्डली ये 20 से 30 सेकंड का सवाल है। लेकिन अगर आप भूल जाओ पावर रूल, तो कैलकुलेटर की ट्रिक एक मिनट लेगी, लेकिन आपको आसानी से करेक्ट आंसर आपका बता देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हो, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इसको नहीं कर सकते क्योंकि एक अननोन ए आ गया ना इसके अंदर, तो मसला हो जाएगा। इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन को आप नहीं कर पाओगे, इस वाले फंक्शन को आसानी से कर लोगे, ये भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही ईजी है, ये कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, रूट टू एक्स का डेरिवेटिव तो रूट टू होता है। ये वाला पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट वाला। इसमें ब्रैकेट का आपने खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगाई, पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू, अल्फा दबा के एक्स आया, प्लस टू ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट लिखो एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर ब्रैकेट एक्स प्लस फोर, अल्फा दबा के एक्स आया, प्लस 4, ठीक है। अगेन कैलकुलेटर आपसे पूछेगा किस वैल्यू पे आपने निकालना है। सबसे पहले आप अपनी इजी वैल्यू से स्टार्ट करो, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, कोई एरर नहीं आ रहा, 26 आंसर आ रहा है आपका। अब आप क्या करो, ऑप्शन में जाके सब में एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहीं से आपके पास क्या बचेगा, 26 बचेगा, और वो आपका आंसर है। अब बाकी में पुट कर लो, यहाँ पे 0 0 पुट करोगे 24 आंसर आएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन है आपको दिखने में ठीक लग रहा है। इसी तरह आप इसको भी पुट कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना। तो ये तो हो गए। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन रूल नहीं आता सही तरीके से, तो वो भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर इस फंक्शन को आप पुट करना चाह रहे हो, तो आप कैलकुलेटर में लिखो 3x माइनस 2, फिर है 2x प्लस 3। अब किस वैल्यू पे, सबसे पहले इजी वैल्यू पुट करो आप, 0, और 0 पे मैथ एरर नहीं आ रहा, बल्कि 13/9 आंसर आ रहा है। अब आप ऑप्शन में 0 पुट करते जाओ, यहाँ पे 0 पुट करोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, यहाँ पे 0 पुट करोगे, शुरू की दो टर्म 0, ऊपर बचेगा 9, नीचे 0 पुट करोगे, पहले टर्म 0, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, ये तो आंसर 1 आ रहा है, नहीं, हमारा आंसर 13/9 आ रहा था कैलकुलेटर से। इस पर आ जाओ, शुरू की दो टर्म 0, ऊपर वाली 9 आ जाएगी, इसी तरह पहले टर्म 0, नीचे भी 9 हो जाएगा, अगेन 1 आंसर आ रहा है, ये भी नहीं है। सी में देखो, ऊपर क्या आ रहा है, 13, नीचे ये 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये हमारा मैच कर रहा है कैलकुलेटर के आंसर से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगेन उसी वक्त ये तो खैर काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रूल थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन रूल, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कैलकुलेटर से इस तरह सॉल्व कर लेना। अच्छा, जितने अल्जेब्रिक फंक्शन है उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे ये मुश्किल से है, इसको आप नहीं कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते, आपको बहुत मसला हो जाएगा। तो इसको तो मैं कहूँगा आप लोग रूल याद करो, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, वरना आपको काफ़ी इशू हो जाएगा। लेकिन कुछ इजी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको आप कर सकते हो। जैसे कोसाइक इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है, लेकिन इन्वर्स वाले सॉल्व करने से पहले आपको कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा कैलकुलेटर अभी अगर आप देखो, तो मैं ज़रा इसको फोकस करता हूँ, ये ऑलरेडी आर में है अभी,
ठीक है, तो अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज करने की। अगर आपका डिग्री में है तो आप लाजमी चेंज कर लेना। डेरिवेटिव लिखो, अच्छा लिखा हुआ क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। कैलकुलेटर में कोसेक इनवर्स कैसे आता है, आप लिखो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स है तो आप लिखो साइन इनवर्स 1/x। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में बताया था। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने ब्रैकेट सही नहीं डाली। ये वाली ब्रैकेट और ये बड़ी वाली, ये वाली ब्रैकेट, ये तो डेरिवेटिव की है, साइन इनवर्स की सिर्फ एक ब्रैकेट है, तो इसको क्लोज कैसे करोगे। क्लोज करने के लिए आप एक और ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, तो ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है आपने। फिर आप अपनी तरफ से रैंडम वैल्यू 0 पुट करो, एरर आ गया कोई मसला नहीं, 1 पुट कर दो, अगेन एरर आ गया कोई मसला नहीं, 2 पुट कर दो, 2 पे आंसर आ रहा है आपका -0.288। अब अगेन भाई अगर आपको ये सिंपल फॉर्मूला आता हो तो आपके लिए 5 सेकंड का सवाल है ये, लेकिन अगर नहीं आता तो तब मैं ये बता रहा हूँ ट्रिक। अब आप क्या करो, आपने 2 पुट किया था ना, ऑप्शन में जाके 2 पुट कर दो। अब यहाँ पे 2 पुट करोगे आंसर क्या होगा, 4। 1-4 नेगेटिव होगा और रूट के अंदर नेगेटिव तो आयोटा हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इस पर आ जाओ, 2 पुट करो, अगेन आयोटा हो जाएगा। इस पर पुट करो, अगेन आयोटा हो जाएगा। तो दिखने में आपको ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन सॉल्व भी कर रहा हूँ, ऊपर क्या है, ऊपर -1 है, उसके बाद एक्स है, यहाँ पर मिस्टेक थी तो मैंने एक्स लिखा हुआ था अंदर से, एक्स हमने 2 लेट किया था। फिर है x²-1, 2 का स्क्वायर 4, 4-1 क्या होता है, 3 के बराबर होता है। कैलकुलेटर ने आपको ये आंसर दिया था, आप इस फ्रैक्शन को कैलकुलेटर सॉल्व कर लो, -1/2√3, तो यहाँ से आंसर आपको मिल गया, तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। तो डेरिवेटिव में आपके जो अल्जेब्रिक फंक्शन है वो तो काफ़ी आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जो मुश्किल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए आप ट्राई भी नहीं करना, बहुत टाइम लगेगा आपका और बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर इनवर्स इजी से हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। इसी तरह अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, लेट से ये 22 में देखो, ये भी आप कर सकते हो, e^2x²। ई कैसे आता है, ये वाला बटन है ई का, अगर आप गौर से देखो ऊपर ई लिखा हुआ ब्राउन से, तो आप शिफ्ट दबा के ई लो, 2x², 2x², फिर मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स है, एक्स लिख दिया। अब किस पे निकालना चाह रहे हो, इजी वैल्यू लेट करो 0, और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, ऑप्शन में 1 पुट करके देखो, सब सॉरी 0 पुट करके देखो, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 हो जाएगा, ये सिर्फ 1 बचेगा। ऊपर अगर यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो पावर 0 होगी, ई की पावर 0 क्या होगा, 1, ब्रैकेट में भी 1 बचा, बाहर भी 1 बचा, 1 × 1 आंसर 1 होगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर बाकी में आप पुट करो, लेट से इसमें 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ अंदर 2 बचेगा। अच्छा इधर e की पावर 0 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 ये 0 है, 2+0 आंसर 2 आ रहा है। इसी तरह यह तो लिखा भी गलत है इन्होंने, इस पर देखो, इसमें भी अगर आप पुट करोगे फिर तो डिनोमिनेटर ही 0 हो रहा है, तो दिखने में आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये एक जुगाड़ ही है, ये वो तरीका नहीं है जो पेट तरीका है मैथ का कि हमेशा फॉलो होगा। जैसे अगर इन सवालों में आप आओ, कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें दो ऑप्शन आपको इस ट्रिक से ठीक लगेंगे, जैसे मैं ये वाला सवाल अगर पुट करूं, ई की पावर कॉस एक्स, ठीक है, अच्छा रेडियन में कैलकुलेटर है तो आपने एक्स भी रेडियन में पुट करना है, रेडियन मतलब 0 पुट करो तो ए की बात होती है रेडियन डिग्री, तो आंसर आपको 0 आ रहा है। अब अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे, कॉस 0 1 होता है, ठीक है, तो e की पावर 1 जो है वो e होता है, और हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इसी तरह यहाँ पुट करो, cos 0 अगेन 1 होगा, e की पावर 1 e, cos 0 1 होता है, यहाँ से भी आंसर e आ रहा है। अगर आप c में पुट करो, ये अगेन e होगा, लेकिन sin 0 आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर पुट करोगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अब दोनों c और d ऑप्शन हमारे हिसाब से ठीक आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी, आपको फिर दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आप एक्स की किसी और वैल्यू पे कैलकुलेट करो जहाँ पे दोनों डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। बहरहाल तो ये मैं बता दूँ कि ये जुगाड़ ही है, हर दफ़ा काम नहीं आएगी, तो पेट तरीका ये है कि आपको डेफिनेट रूल पता होने चाहिए कि आपने किस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करना है, जो भी फंक्शन आ रहा है उसको सॉल्व करना है। तो बाकी जितने फंक्शन आप देख लेना, किसी पर ट्रिक वैलिड होगी किसी पर नहीं होगी, तो ये चीज़ मैंने पहले आपको कंफर्म कर दी है। तो चैप्टर 4 से रिलेटेड यही ट्रिक है, यही आप सॉल्व करोगे। चैप्टर 5 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो उसमें ज़्यादातर मैक्सिमा मिनिमा तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, बाकी जितनी चीज़ें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट,
इतना नहीं हो सकता, जैसे ये हो सकता है लिखा हुआ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, तो ये कर्व गिवन है, आप इसमें क्या करते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव निकालते हो ना, तो आप ये फंक्शन जो है, क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट के ऊपर। देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर में आपके पास x ही आएगा सिर्फ, मतलब इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या होता है 2x माइनस फाइव होता है, तो इसमें आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, इधर x की वैल्यू 3 है तो आप यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन अब ये इतने ईजी फंक्शन है, ये आप कैलकुलेटर में पुट करके टाइम क्यों जाया कर रहे हो, ये तो मेरे ख्याल में हर बच्चे को बेसिक से रूल पता है कि पावर रूल किस तरह लगाना है। तो चैप्टर 5 की ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, चैप्टर 6 की है,